अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। अंतरा श्रीमद भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु जगन्नाथ की जय। हरे कृष्ण। तो आज के हमारे श्लोक हैं कैंटू 3 चैप्टर 28 श्लोका 35 एंड 36। श्लोका 35। आश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमिच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो अव्यवधानमेकम् अन्विक्षते प्रतिनिर्वित्त गुणा प्रवाह। मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो अव्यवधानम् एकम् अन्विक्षते प्रतिनिवृत्तगुणा प्रवाह। मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो अवधानमेकम् अन्विक्षते प्रतिनिवृत्त गुणा प्रवाह। श्लोक 36। सो अप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्य अवसितः सुख दुख बाह्ये हेतु हेतु तमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यात् स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठ। सो अप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न्य वसितः सुख दुःख बाह्ये हेतु तं प्यसति कर्तरि दुःखयोर्यात् स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठ। सो अप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न्य वसितः सुख दुःख बाह्ये हेतु तं प्यसति कर्तरि दुःखयोर्यात् स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठ। हरे कृष्ण। आप लोग में से कोई डिसाइड करेंगे प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी तुम्हें प्रणाम। यस माता जी प्रणाम। मुक्त आश्रम यही निर्विषम विरक्तम निर्वाणम ऋचति मना सहसा यथार्थी आत्मनम अत्र पुरुषो व्यवधानम एकम अन्वीक्षते प्रति निवत गुण प्रवाह। हरे कृष्ण धर्म प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण। सो अपे सो अपे तया चर्मया मनसो निवर्त्या तस्मिन् महीनम महीन्य वस्ति ही सुख दुख बाहे हेतु त्वम् अप्यसति कर्तरि दुखयोर् यता स्वात्मन् विधत् उपलब्ध परातम परातम काष्ठ। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। यस माता जी प्रणाम। मुक्ताश्रयम् यहि निर्विषयम् विरक्तम् निर्वाणमृच्छन्ति मनः सहसाय आत्मानमत्र पुरुषो अव्यधानम् एकम् अनावेक्षते प्रति निवर्त पुनः प्रभाः। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी।
हरे कृष्णा दर्पण प्रणाम प्रभु जी। यस गुरु जी प्रणाम। मोक्तास्यम यहि निर्विशेष्यम विरक्तम निर्वाणम रक्षति मना सहसा यथार्थी आत्मनाम अत्र पुरुषा अव्यक्तानम एकाम अनिविच्छते प्रतिनिब्रत गुण प्रवाह। हरे कृष्णा धर्म प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी प्रणाम। यस माता जी कीजिए। तस्मिन् महिमन्य वशीत सुख दुख बाह हेतु तत्त्वम् अप्यस्यति कर्तर्हि दुःखयोरयत भवात्मन विद्रत उपलब्ध यस माता जी कीजिए। ठीक है तो फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग श्लोका 35। मुक्त आश्रयम मुक्ति में स्थित यरहि जिस समय निर्विषयम विषयों से विरक्त विरक्तम उदासीन निर्वाणम बुझना अंत विच्छति प्राप्त करता है मना मन सहसा तुरंत यथा जिस प्रकार अर्ची लपट आत्मानम मन अत्र इस समय पुरुष व्यक्ति अव्यवधानम किसी प्रकार के वियोग के बिना एकम एक अनविक्षते अनुभव करता है प्रतिनिवृत्त गुण मुक्त गुण प्रवाह गुणों के प्रभाव से। अनुवाद एवं तात्पर्य गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और भौतिक विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक के समान हो जाता है उस समय परमेश्वर जैसा। जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य भौतिक जगत में मन के कार्य हैं स्वीकारना तथा नकारना। जब तक मन भौतिक चेतना में रहता है तब तक इसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने हेतु बाध्य करते रहना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रेम में भगवान के प्रेम में भाव तक ऊपर उठ जाता है तो मन स्वतः श्री भगवान के विचार में तल्लीन हो जाता है। ऐसी दशा में योगी के पास श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं रह जाता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छाओं के साथ साथ मन मन के चलने को निर्वाण या परमेश्वर के साथ मन को एक करना कहते हैं। निर्वाण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। प्रारंभ में अर्जुन का मन भगवान श्री कृष्ण के मन से विपत हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े किंतु अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था अतः मत भेद था। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुकूल बना लिया। यह तदात्म्य कहलाता है। किंतु इस तदात्म्य से अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण की वृष्टि व्यक्तित्व तो समाप्ति नहीं हुई। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि तदात्म्य के लिए व्यक्तित्व का क्षय होना आवश्यक है किंतु हम श्रीमद् भगवद गीता में पाते हैं कि यह व्यक्तित्व खोता नहीं। जब मन भगवत प्रेम में पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो मन श्री भगवान का मन बन जाता है। उस समय मन न तो पृथक रूप से कर्म करता है और न ही श्री भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरणा से रहित होता है।
व्यक्ति मुक्त आत्मा का कोई अन्य कर्म नहीं होता। प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रेरित होकर कर्म में लगता है, किंतु दिव्य अवस्था में ये भौतिक गुण भक्त के मन को विचलित नहीं कर पाते। भक्त के पास श्री भगवान की इच्छाओं की तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई चिंता नहीं रहती। यह पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है, जिसे निर्वाण या निर्वाण मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में मन भौतिक इच्छा से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। यथार्ची, अर्ची का अर्थ है लौ, लपट। जब दीपक टूट जाता है या तेल खत्म हो जाता है तो दीपक की लौ बुझ जाती है, किंतु वैज्ञानिक समझ के अनुसार लौ बुझती नहीं, यह संरक्षित रहती है। यही शक्ति का संरक्षण है। इसी प्रकार जब मन भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है तो यह श्री भगवान के कर्मों में संरक्षित रहता है। यहाँ पर मायावादी चिंतकों के मन के कर्म के रुद्ध होने की कल्पना की व्याख्या की गई है। मानसिक क्रिया के रुद्ध होने का अर्थ है प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से होने वाली क्रियाओं का अवरुद्ध होना। वट वन मीनिंग श्लोका 36। सह योगी अपि इसके अतिरिक्त एतया इससे चरमया अंतिम मन सह मन का निवृत्तया कर्मफल के रुकने अंत से तस्मिन उसमें महिमनी अंतिम महिमा अवसित स्थित सुख दुख बाह्य सुख तथा दुख से बाहर हेतुत्वम कारण अपि निसंदेह अस्ति अविद्या का फल कर्तरी अहंकार में दुख यो सुख तथा दुख का यत जो स्व आत्मन अपने आप को विधत्ते उपलक्षित करता है। उपलब्ध प्राप्त पर आत्मा श्री भगवान का काष्ठ सर्वोच्च सत्य। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के समस्त भौतिक बोध से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख दुख तथा उनकी अंतःक्रियाएं, जिन्हें वह अपने कारण समझता था, वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति अविद्या का परिणाम है। योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने के इस अज्ञान को दूर कर सकता है। मनुष्य का वास्तविक संबंध शाश्वत रूप से प्रेम का संबंध है, जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के निमित्त है। इस मधुर संबंध की विस्मृति ही अज्ञान कहलाती है, और अज्ञान होने पर ही वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। जब भक्त का मन शुद्ध हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके मन को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है, तो समझो कि उसे पूर्ण देव अवस्था प्राप्त हो गई, जो भौतिक सुख तथा दुख के अनुभव से परे होती है। जब तक मनुष्य अपनी स्वयं की इच्छा की से कर्म करता रहता है, तब तक उसे तथाकथित सुख तथा दुख के सभी भौतिक अनुभव सताते रहते हैं। वस्तुतः सुख होता ही नहीं। जिस प्रकार किसी पागल व्यक्ति के कर्मों में कोई सुख नहीं होता, उसी प्रकार भौतिक कार्यकलापों में सुख तथा दुख की मानसिक अनुभूति मनोरथ झूठी है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु दुख है। जब मन श्री भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने लगता है, तो समझो कि मनुष्य को दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा ही अविद्या का कारण है, और जब इच्छा पूर्णतया मिट जाती है तो और इच्छाएं श्री भगवान की इच्छाओं का अनुसरण करती हैं। तभी समझो कि मनुष्य पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका। उपलब्ध परात्म काष्ठ। उपलब्ध का अर्थ साक्षात्कार। साक्षात्कार निश्चित रूप से व्यक्तित्व का सूचक है। पूर्ण मुक्त अवस्था में ही वास्तविक साक्षात्कार होता है। निवृत्तया का अर्थ यह है कि जीव अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है। तदात्म्य का अर्थ यह होता है कि जीव परमेश्वर के सुख में ही अपना सुख मानता है।
परमेश्वर में सुख ही सुख है, आनंदमय अभ्यासात। श्री भगवान स्वभाव से दिव्य सुख से परिपूर्ण है। मुक्तावस्था में परमेश्वर से तदात्म्य का अर्थ यह होता है कि मनुष्य को सुख के अतिरिक्त अन्य साक्षात्कार न हो, किंतु तो भी वैष्टि बना रहता है। अन्यथा उपलब्ध शब्द जो दिव्य सुख के वैष्टि साक्षात्कार का सूचक है, यहाँ प्रयुक्त न होता। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदानयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगल्ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय मे गौरत्विषे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतुदास अधिकारी तिनामले। श्रीमद्भागवतम की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। तो भागवतम स्टार्ट करने से पहले श्री श्री गौनिताई शील प्रभुपाद गुरु महाराज आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ ताकि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं गुरु परंपरा के प्रसन्नता के लिए भागवतम की सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर अध्याय हम लोग देख रहे हैं, भक्ति साधना के लिए भगवान श्री कपिल के आदेश। तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को भक्ति योग का शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो योगी है और योगी के ध्यान का लक्ष्य है वह श्री भगवान होने चाहिए। किस प्रकार से योगी को धीरे धीरे भगवान में अपने मन को स्थापित करना चाहिए, इस प्रकार से भगवान के सुंदर चरणों से ध्यान को स्टार्ट करते हुए धीरे 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 भगवान के दिव्य श्री अंगों में ऊपर उठाते उठाते भगवान के मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। भगवान के उस सुंदर प्रेम में भगवान को अपने हृदय में बैठाना चाहिए और प्रेम भगवान को अपना प्रेम अर्पित करना चाहिए। तो हमारे प्रेम के सर्वोच्च पात्र श्री भगवान हैं। इस प्रकार की शिक्षाएं
डिटेल्स में हमने देखा कि भगवान कपिल माता देवहूति को सिखाते हैं कि ध्यान ध्यान के लक्ष्य श्री भगवान हो, भक्त भगवान का अहर्निश रात दिन चिंतन करे अपने हृदय में। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर गुणाचिंत स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। रात्रि दिन आँख खोले तो बाहर से दर्शन करेंगे, विग्रहों से आग बंद करेगा तो हृदय में दर्शन करेंगे, और उन्हीं कृष्ण को जब नाम लेके पुकारेगा तो वही राधा कृष्ण जीवा पे आके प्रकट होके नृत्य करेंगे, और वही कृष्ण कथाओं के माध्यम से और नामों के माध्यम से कर्ण कर्ण रंध्र से कर्ण के छिद्रों से प्रवेश करके हृदय गुफा में हृदय की गुहा में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार से सुंदर पूरे ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं भगवान कपिल देव माता देवहूति को, और उनके माध्यम से सब 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 मनुष्यों को कि ध्यान का लक्ष्य भगवान को बनाए, श्री भगवान को बनाए, भगवान के अब भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करें। भगवान निराकार नहीं है, सुंदर रूप वाले, सुंदर रूप वाले जो भगवान को निराकार समझे वो अदृश्य अस्पृश्य हाय यम दंडी है ना, उसको तो देखो मत, उसको तो देखोगे तो तुम्हारी पवित्रता खत्म हो जाएगी। अस्पृश्य को छुओ मत, ऐसे निराकार वादी लोगों को, और यम दंडी ऐसे लोगों जो लोग भगवान वो लोग भगवान के सुंदर साकार विग्रह को नहीं मानते उनको यम का दंड लगेगा, उनको यमराज का यमराज के द्वारा दंडित किए जाएंगे ऐसे लोग। तो हर प्रकार से भगवान बहुत सुंदर है, संदर्भ कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तब हम जाने। तो इस प्रकार से यहाँ पे सुंदर ध्यान लगाने के प्रोसेस को अब तक भगवान ने बताए, और यहाँ पे फिर भगवान से एकात्म होने की, भगवान के साथ तादात्म्य करने के बारे में बता रहे हैं, भगवान के साथ एक रूप हो जाए भक्त, इसके बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में शिक्षा दे रहे हैं भगवान कपिल माता देवहूति को। तो यहाँ पे एक होने का क्या मतलब है, अभी कोई मायावाद फिलोसफी मायावाद दर्शन या फिर निराकारवाद की बूंद समुद्र में समा जाएगा, बूंद और समुद्र एक में मिल जाएगा, एक आत्मा परमात्मा एक हो जाएगी, सोहम आदि तो हम ये सब का यहाँ पे इस प्रकार का एक रूपता के बारे में नहीं बता रहे हैं, एक रूपता के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्त भगवान के साथ एक हो जाए। एक होने का मतलब है कि भगवान के साथ भगवान की जो इच्छा है उस इच्छा के साथ भक्त अपनी इच्छा को मिला दे, भक्त की अलग से भगवान से सेपरेट, भगवान से अलग कोई इच्छा, स्वतंत्र इच्छा, भगवान से स्वतंत्र इच्छा अलग से भक्त के अंदर ना रहे, है ना, उसकी 100% डिजायर है, 100% डिजायर है, वो 100% वो 100% उसकी जो इच्छा है वह 100% इच्छा भगवान श्री भगवान भगवान कृष्ण की इच्छा से मेल खाने लगे, मिलाप हो जाए, इच्छा का एक हो जाना, इच्छा का एक हो जाना, पूरी पूरी 100% भक्त भगवान को शरणागति दे दे, भगवान को शरणागति दे दे, और भगवान डिमांड भी कर रहे हैं इस ऐसा 100% शरणागति भगवान डिमांड भी करते हैं। भगवद गीता भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज, सब सब कुछ जो कुछ जो तुम पकड़ के रखते हो मेरे से अलग जो कुछ इच्छा करते हो मेरे से अलग जो कुछ चाहते हो सब कुछ छोड़ दो, बस मुझको पकड़ के रखो, मुझको पकड़ के रखो और जो मैं चाहता हूँ वह करो, मैं मेरे अनुकूल आचरण करो, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम है ना। शरणागति शरणागति में भी बताते हैं कि जो कृष्ण के अनुकूल है जिसको करने से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, जिसको करने से कृष्ण का प्रीति वर्धन हो रहा है, जिसको करने से कृष्ण को आनंद उल्लास हो रहा है, वह चीज बस भक्त करे, वह चीज बस भक्त करे और पूरी पूरी कृष्णमय हो जाए, पूरी पूरी कृष्णमय, कृष्ण कृष्ण चेतना, दिस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया, इस्कॉन को बनाया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस्कॉन का पूरा उद्देश्य क्या है, क्यों इतना बड़ा प्रभुपाद जी ने सोसाइटी क्रिएट किया, निर्माण किया, इतना बड़ा संघ का निर्माण क्यों किया,
एक बस इस चीज को करने के लिए कि जितने भी जनमानस से जब सामान्य जनता है वह इस प्रकार की उनके ट्रेनिंग हो जाए, उनकी कुछ निजी इच्छा, खुद की इच्छा भगवान से अलग न रह जाए, सारी इच्छा कृष्णमय हो जाए, उनकी कृष्ण में हो जाए, उनकी पूरी पूरी कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, पूरी पूरी चेतना परिवर्तन होके कृष्ण चेतना में बन जाए, कृष्ण उनके चिंतन में अहर्निश रात दिन बसे, कृष्ण उनके चिंतन में रहे, कृष्ण की प्रति चेष्टा हो जाए, हर कार्य कृष्ण के लिए करे, कृष्ण को उल्लास आनंद प्रदान करने के लिए हर चेष्टा प्रचेष्टा करे, इसके लिए इस्कॉन का निर्माण किया श्रील प्रभुपाद ने। पूरे कृष्ण से डिजायर इच्छा से एक रूप करने के लिए, एक रूप और शत प्रतिशत शरणागति विकसित कराने के लिए, ये जो सर्वधर्म प्रतिज्ञा यह कराने के लिए इस्कॉन का रूपाजी निर्माण किया कि ऐसा ट्रेनिंग मिल जाए, ऐसा ट्रेनिंग मिल जाए भक्त लोगों को और साधारण साधारण जनता वो पूरे पूरे कृष्ण भावना भवित बन जाए, कृष्ण में उनकी इच्छा एक रूप हो जाए, कृष्ण से अलग कुछ कुछ भी ना करे। तो जब हम भक्ति में आते हैं बिल्कुल, जब बिल्कुल नए नए होते हैं, बिल्कुल फर्स्ट डे जब हम कोई हमें भक्त पक हमारे हाथ पकड़ता है और हमें कुछ कृष्ण के बारे में बोलता है और हमें मंदिर लेके जाता है या फिर हमें किसी प्रोग्राम में लेके जाता है, तो उस समय हमारी श्रद्धा बिल्कुल जीरो होती है। लेकिन फिर हमें थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा अनुभव मिलता है, हम सुंदर भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन से अट्रैक्ट हो जाते हैं, सुंदर कीर्तन सुन के अट्रैक्ट हो जाते हैं, सुंदर भक्ति लोग कितने खुश है, कितना खुश है, कितने प्रसन्नता के साथ नाच गा रहे हैं साथ मिल के, वो देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, कितना अच्छा एटमॉस्फियर है, इतना अच्छा माहौल मिल रहा है, ऐसा माहौल तो संसार में मिलता ही नहीं, संसार के लोग तो दुख देने वाले हैं, अच्छा एटमॉस्फियर, लविंग गुड एटमॉस्फियर देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई प्रसाद से अट्रैक्ट हो जाता है, किसी के मन में फिलोसफिकल बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर मिलने से वो अट्रैक्ट हो जाता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अट्रैक्ट होते हैं भगवान के उसमें। तो थोड़ी सी शरणागति हम देते हैं भक्त उस समय, मतलब एक एक साधारण मनुष्य उसके पास अभी तक भगवान से शरणागति थी नहीं, तो 1% 2% डेवलप करता है, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा फेथ का श्रद्धावान जन है, भक्ति अधिकारी, थोड़ी सी श्रद्धा डेवलप होती है तो फिर भक्ति में उसका अधिकार प्रवेश होता है और फिर वो आगे भक्तों का संगति करता है, आदो श्रद्धा तथा साधु संघ, तो फिर वो साधुओं का संग करता है, तो भक्तों के संगति करने से उसको जैसे ही फेवरेबल एटमॉस्फियर अनुकूल वातावरण मिलता है उसकी और श्रद्धा में विकास होता है, फिर वो फिर भजन क्रिया करता है, तो फिर जैसे जैसे भजन क्रिया कर रहा है फिर उसकी धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति, धीरे धीरे अनर्थ घटने लगते हैं और श्रद्धा का विकास हो रहा है और उसकी शरणागति बढ़ रही है और धीरे धीरे उसकी धीरे धीरे मेटेरियल लाइफ कट ऑफ हो रही है, भौतिक जीवन कट ऑफ हो रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ में एड ऑन हो रहा है, जितना स्पिरिचुअल लाइफ एड हो रहा है उतना मेटेरियल लाइफ कट ऑफ हो रहा है, धीरे धीरे मेटेरियल लाइफ कम हो रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ एड ऑन हो रहा है, धीरे धीरे शरणागति बढ़ती है। फिर एक दिन 16 माला भी कोसते हैं और एक दिन चार नियम पालन भी कोसते हैं, फिर उस दीक्षा लेते हैं तो और शरणागति बढ़ जाती है और फिर हम काफ़ी कुछ अवॉइड करते हैं और वैष्णव जैसा लुक में आ जाते हैं, दीक्षा दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षित होने के बाद फिर हम और ट्राई करते हैं। तो दिस इज लाइक लूडो गेम, ये भक्ति का पूरा क्या है ना, भक्ति में आना हमारा, दीक्षा के प्रोसेस तक पहुंचना, इसलिए लूडो गेम ज़्यादा समझ सकते हैं, बचपन में हम सब लोगों ने लूडो गेम खेला होगा ना, लूडो में क्या होते हैं 100 नंबर्स होते हैं, 100 ऑफ नंबर्स, वो जो सांप वाला मैं बता रहा हूँ, स्नैक वाला, 100 नंबर्स होते हैं और हमें स्टार्ट करना होता है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो 16 माला करना, भक्ति के दहलीज में आना, 16 माला करना, दीक्षित हो जाना, इसका मतलब है कि हम नंबर 1 सीढ़ी पे पहुंच गए, एक नंबर पे पहुंच गए, हम जिस दिन हम दीक्षित हो गए हम एक नंबर पे पहुंच गए। अब उसके बाद फिर हम जैसे जैसे हम पास से फेंकते जाते हैं हम आगे बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे हम 5 पहुंचे 7 पहुंचे, ऊपर सीढ़ियाँ भी होती हैं, कुछ अच्छा फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला, अच्छा भक्तों का संगति हुआ, गुरु के हमने श्रवण किए, धाम आदि गए, दर्शन किए, सुंदर कथाएँ सुने, फेस्टिवल सेलिब्रेट, तो हम सीढ़ी चढ़ गए, हमारी सीढ़ी हम और ऊँचा बढ़ गए।
लेकिन फिर थोड़े समय बाद हम और पासा फेंकते हैं तो उसमें सांप भी होता है, तो फिर हम सांप सांप जैसे ही हमारे जीवन में आता तो हम फिर सांप हमें खा लेता है, तो हम नीचे फिर से नीचे लटक जाते हैं, नीचे हमारे सांप की पूछ जहाँ पूछिंद होती है पूछ पे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं फिर, मतलब इतना इतना हमने पासा फेंक के सीढ़ियाँ चढ़ के जो आगे बढ़े, फिर थोड़ा सांप आया, सांप हमें खा लिया, फिर हम नीचे आ गए, है ना। तो मतलब हम कुछ फिर गलतियाँ करते हैं भक्ति में, मतलब जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, है ना, वैष्णव अपराध आदि आदि बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब वो सांप हमें खा के नीचे गिरा देगा, नीचे गिरा देगा। एक दिन हम ठीक है थोड़ा बहुत छोटे छोटे सांप खाए, हम सीढ़ी फिर नीचे गिरे, फिर हम मेहनत किए, फिर आगे बढ़े, सीढ़ी चढ़े, ऐसे करके काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद कई सारे बार आप हमारी चांस हमें चांस दिया जाता है, मैनी मैनी टाइम्स हमारे चांस आता है, बार बार अपने चांस में हम पास से फेंकते फेंकते एक बार हम 100 भी पहुँचने वाले होते हैं, 3-4 दूरी होता है, तो 99 नंबर फिर एक सांप बैठा होता है, 99 नंबर भी एक सांप बैठा होता है, और अगर 99 नंबर का सांप खा लिया तो हम बिल्कुल एकदम नीचे गिरते हैं, एकदम एक या दो पेज फिर से आ जाते हैं, फिर से हमें बिगिनिंग करना होता है। तो ये पूरी भक्ति ना बिल्कुल लूडो के गेम के जैसा, तो सावधानी सा बरतना चाहिए, सावधानी सा बरतना चाहिए कि सांप सांप न खाने पाए, सांप न खाने पाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, सांप से बचते हुए आगे बढ़े, सांप से बचते हुए आगे बढ़े, सीढ़ियों पर चढ़े और 100% डिवोशन कर पाए, 100% डिवोशन, 100 पे पहुंचने का मतलब है कि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो इच्छा वो भगवान कृष्ण की इच्छा से 100% मेल खा जाए, तो हम 100% पहुंच जाए। फिर अगर 100 पे पहुंच गया ना, फिर नीचे गिरने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि 100 पे कोई सांप नहीं होता, सांप 99 पे बैठा होता है ना, लास्ट लेयर ऑफ माया, है ना, यू आर दिस बॉडी, आप ये शरीर हो, आप इंजॉय करो, आप इंजॉय करो, है ना, इंजॉय करो। 99 तक सांप निकलने का प्रयास करेगा, एक बार 100 पे पहुंच जाएंगे, मतलब हमारी पूरी इच्छा, भक्ति ठाकुर जी ऐसा बोलते हैं ना, मानस देह गेह जे कुछ मोरा और कुछ लू तुया पदे नंद ईश्वर, ओ भगवान कृष्ण और नंद महाराज के तनुज, कृष्ण आइए, जो मेरा मन है ना, मेरा मन, मैं मेरा मन आपको समर्पित करता हूँ, पूरा पूरा मन आपको समर्पित, मन मन समर्पित करने का क्या मतलब होता है, मन समर्पित करने का मतलब है कि अब मैं मन के हिसाब से काम नहीं करूँगा, मैं मेरे मन मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मेरा मन जैसा मुझे डिक्टेट करेगा, जैसा मुझे नरेट करेगा उसका मैं सुनूंगा नहीं। जो मन का सुनता है वो मंकी होता है, जो मन का सुनता है मंकी, वो बंदर होता है, बंदर बंदर शांत नहीं बैठता, उछलता कूदता रहता और उपद्रव मचाता। एक एक आपके घर में कभी किचन खुला छोड़ दीजिए, सारे सामान सिस्टमेटिक व्यवस्थित है, और एक बंदर बस घुस जाए किसी तरह से आपके किचन में, आपके आधे घंटे के अंदर पूरा किचन का वो बर्बादी कर देगा, पूरा सब 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 तहस नहस कर देगा। कभी आप लोगों को किसी माता जी लोग को किचन में अनुभव भी होगा, अगर बंदर घुसे होंगे उनके किचन में तो पूरा बंदर तहस नहस कर देगा, है ना, पूरा उपद्रव मचा देता है, है ना। तो इसलिए मन का नहीं सुनना, जो मन का सुनता है वो मंकी होता है ना। तो मंकी बनना चाहिए, बंदर बनना चाहिए, लेकिन साधारण बंदर जैसा नहीं, हनुमान जी जैसा बंदर बनना चाहिए, हनुमान, है ना, सर्वश्रेष्ठ, है ना, सर्वश्रेष्ठ। वानर यूथ मुख्यम, वानरों के ग्रुप में, यूथ में मुख्य मुख्य हनुमान जी, हनुमान जी क्यों सर्वश्रेष्ठ है, है ना। भगवान श्री राम के सुंदर अद्भुत भक्त है वो, राम जी के चरणों में हनुमान जी ने अपना पूरा मन को समर्पित किया हुआ है ना। मतलब हमें मन को सुनना नहीं है, मन को हमें पूरा पूरा दे देना है, तीन लोग को, हरि गुरु और वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव, जो हरि बोलते हैं वह मन को वो कराइए। यहाँ पे बोले ना कि स्टार्टिंग में मन लग नहीं रहा है, बहुत ही चीजों में लगता है, उसको जबरन उसको भक्ति में लगाइए, है ना। मन को जबरन हमें कृष्ण में लगाना है, हमें वो मन जो तुम कहते हो नहीं करूंगा, मन जो कृष्ण के चाहते हैं ना वो करूंगा। कृष्ण चाहते हैं कैसे पता चलेगा, तुम पता चलेगा शास्त्रों से, कृष्ण शास्त्र में प्रकट हुए हैं, गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत, उसे पढ़ के हमें कृष्ण का निज इच्छा जान पड़ेगी, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कृष्ण हमसे बातें करते हैं शास्त्रों के थ्रू, है ना। तो शास्त्रों पढ़ेंगे तो कृष्ण से बात कर पाएंगे, कृष्ण की इच्छा जान पाएंगे। दूसरा गुरु को भी हम मान लेंगे, गुरु है ना, जो गुरु बोल रहे हैं ना वो करेंगे। गुरु कृष्ण के ट्रांसपेरेंट
बिल्कुल, जैसे हमें हमारी आंखों में थोड़ी आंखों में हमारा कमी हो हमारे हमारे आंखों में थोड़ी कमी हो जाती है, हम पावर डाउन हो जाते हैं, तो फिर हमें स्पेक्ट चश्मे लगते हैं, और वो चश्मे के पावर से हमारे आंखों का डिफेक्ट चला जाता है, फिर हम क्लियर क्लियर देख पाते हैं। तो गुरु जो है वो हमें सब कुछ, वो भगवान कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, उनसे हमें कृष्ण के संदेश को समझने में और अपने जीवन प्रैक्टिकल अप्लाई करने में पूरी पूरी गुरु हमें सहायता करते हैं और हमें इम्पावर करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं गुरु, है ना। तो अपने मन को हम गुरु को देंगे कि देखो मेरे प्यारे भैया मन, अभी तुम ना गुरु को सुनो, गुरु को सुनो, तुमने करोड़ों करोड़ जन्मों में मैंने तुमको सुना है, लेकिन अब तुम इस जन्म में, बस इस जन्म के लिए, है ना, एक ही इस जन्म के लिए कर तुम मेरी बात सुनोगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम आपकी बात तुम कृष्ण को सुनो, आपकी बात तुम गुरु को सुनो, थर्ड वन वैष्णव को सुनो, जो बड़े बड़े वैष्णव हैं उनको सुनो। तुम अपने मन का हमेशा काम मत करो, है ना, गुरु को सुनो, हरि को सुनो, वैष्णव को सुनो, ये तीन लोग को अगर मन को सुनने में अभ्यस्त हो गया, अब मन को हमने ऐसा ट्रेनिंग दे दिया कि 100% मन अभ्यस्त हो गया हरि गुरु वैष्णव को सुनने में, तो फिर भगवान से एक रूप हो जाएंगे और हमारे जीवन का सारा प्रॉब्लम सारी समस्या समाप्त समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टार्टिंग के लेवल पे, ये इसको करते कर करने के लिए हमें समय लगता है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा मुंह के बल गिर जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर मुंह के बल गिरते हैं, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, अनर्थ निवृत्ति, फोर्थ स्टेज अनर्थ निवृत्ति, लंबा समय होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं अर्ध कुकुट न्याय, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कई बार, अर्ध कुकुट न्याय, अर्ध कुकुट का मतलब, न्याय का मतलब क्या होता है प्रभुपाद जी बोलते हैं, अर्ध मतलब आधा, कुकुट मतलब मुर्गी, न्याय मतलब कि आप बस एक्सेप्ट कर रहे, एक्सेप्ट करना है ना, एक्सेप्ट करना है, अर्ध कुकुट न्याय। इसको जैसे एक आप लोगों ने स्टोरी सुने होंगे, एक जैसे सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी थी, और उसको को एक व्यक्ति पालता था, तो एक दिन वो लालची ग्रीडी लालची व्यक्ति था, वो सोचता है कि ये मुर्गी बहुत अच्छी है, सोने के अंडा मुझे हर दिन देती है, और लेकिन इसको खिलाना पड़ता है, मुर्गी हर दिन अच्छा खा, बहुत बहुत चारा इसको देना पड़ता है, दाने वगैरह डालने पड़ते हैं, इसको खाती बहुत है मुर्गी, खाती बहुत है, और तो उसे बुद्धि लगा रहा था उसने, कनिंग, वो कनिंग था, वो चतुर दुष्ट था, धूर्त, तो वो बुद्धि लगाता है, धूर्त बुद्धि वाली अपनी शैतानी बुद्धि लगाता है, वो सोचता है कि ये मुर्गी का गला गले से खाती है, बहुत बहुत खाती है, बहुत खाती है, तो गला इसका यूजलेस है, गला मेरा खर्चा करा रहा है, तो मुझे गला नहीं चाहिए इसका, लेकिन ये पेट इसका बहुत यूजफुल है, इसका पेट यूजफुल है, इसके पेट से सोने का अंडा निकलता है, तो पेट को रखूंगा, गला को काट दूंगा। वो मूर्ख मूर्ख राम वो क्या किए, वो गला काट दिए और पेट को रखना चाहते थे, जब गला कट गया तो मुर्गी मर गई, जब मुर्गी मर गई तो वो मुर्गी एक भी सोने का अंडा नहीं देगी, नहीं तो मुर्गी डेली 4 सोने का अंडा देती थी, है ना, अभी भी अंडा नहीं देगी। फिर उसको फिर बाद में रिपेंट हुआ, पश्चाताप हुए उसको, मैंने क्या कर दिया ये, है ना। तो अर्ध इसको प्रभुपादी बोले, इसको अर्ध, आप मुर्गी को एक्सेप्ट तो करना चाहते हो, लेकिन अर्ध कुकुट न्याय, जो चीज आपको अच्छा लग रहा है ना, मतलब वो चीज पकड़ रहे हो, है ना, आप पूरा पूरा चीज नहीं पकड़ रहे हो, है ना। इवन भक्ति में आने के बाद भी हम चूजी होते हैं ना, हम भगवान के पूरे चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहते, है ना, हम उसमें हमारा मेटेरियल बेनिफिट देखे, जो चीज हमको अच्छा लगता है ना वो ग्रहण कर लेते हैं, बाकी ग्रहण नहीं, बाकी हम छोड़ देते हैं, नहीं नहीं ये तो हमारे लिए नहीं है, है ना, ऐसे। तो फिर इसको तो फिर हम पूरी तरीके से हम भगवान की इच्छा से एक रूप कैसे हो पाएंगे, एक रूप कैसे हो पाएंगे, तो पूरा पूरा भगवान को एक रूप करना, एक रूप होना चाहिए, मानस अपना मन पूरा भगवान को देना चाहिए, देह अपना शरीर पूरा भगवान को, शरीर के सारे इंद्रियां भगवान के सेवा में नियोजित कर दें, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, पूरे पूरे शरीर कृष्ण के सेवा में लग जाए, है ना, पूरे पूरे बॉडी स्पिरिचुअल बन जाए, है ना, ऐसा जीवन मुक्त से उच्यते, जीवन रहते ही मुक्त हो जाए। ये जो बड़े चढ़े जो ये सन्यासी होते हैं, उनके शरीर को इसलिए समाधि दिया जाता है, जलाते नहीं है, क्योंकि वो जीवन रहते हुए भी, जीवन रहते हुए ही उसी शरीर में इतना दिव्य आध्यात्मिक कार्य कर लेते हैं, इतनी भगवान की सेवा कर लेते हैं, कि उनका पूरा पूरा शरीर ही आध्यात्मिक बन जाता है, उसमें कोई भौतिक रहता ही नहीं, शरीर शरीर दिव्य बन जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है पूरा पूरा, इसलिए उनको समाधि, उसको समाधि दिया जाता है, उन शरीर दिव्य शरीर को जलाते नहीं है।
पूरा पूरा दिव्य है, आध्यात्मिक हो जाता है शरीर, भौतिक का लेश भी मात्र उसमें नहीं होता, उस शरीर में दिव्य बन जाता है। तो शरीर को भी भगवान के पूरे 100% भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। देन फिर आता है गेह, जो भी हमारा हमसे बिलोंगिंग्स है, जो भी हमारा हमसे जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, हमारा घर, हमारा गाड़ी, हमारा धन, हमारा जो कुछ भी हमारा असेट है, जो भी हमारा संपत्ति है, उन सब चीज़ों के ओनरशिप को, मेंटलिटी को त्यागना चाहिए कि हम इसके संपत्ति के मालिक हैं, सब कुछ के संपत्ति के मालिक को। मतलब हम ऐसा बोलते तो कि हम सबके मालिक भगवान हैं, लेकिन फिर भी हम ना इसको हृदय से एक्सेप्ट नहीं करते। बोलना अलग चीज़ होता है, हृदय से एक्सेप्ट करना अलग चीज़। हम बोलते हैं तो कि घर ये तो कृष्ण का है, ये तो धन भी कृष्ण का है, गाड़ी भी कृष्ण की है ना, लेकिन हम उसको पूरा पूरा यूज़ नहीं करते। हम उसको कृष्ण की सेवा में 1% यूज़ करते हैं, 99% हम हमारे मटेरियल बेनिफिट के लिए, हमारे पर्सनल सेंस एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। 100% हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी, सारा जो भी हमसे पर्सनल बिलोंगिंग करता है, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा धन, जो कुछ भी हमारा पर्सनल एसेट है, जो भी हमारा पर्सनल टैलेंट है, जो कुछ भी है, उसको 100% हमें भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे कृष्णा, मेरा मानस, देह, गेह, जे कुछ हो मेरा, जो कुछ भी मेरा है, अर्पिल तुया पदे नंद किशोर, हे कृष्ण मैं आपके चरणों में पूरा अर्पित करता हूँ, पूरा अर्पित करता हूँ, पूरा अर्पित करता हूँ ना। तो पूरा पूरा भगवान को अर्पित करना चाहिए 100%। ये आधी शरणागति भगवान को दे, 10% शरणागति, 50% शरणागति भगवान को दे और आधी ना दे, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। अब खुद प्रैक्टिकल भी देखिए, भगवान के नजरिए से देखिए, हम सोचने का प्रयास करेंगे। हमारी मम्मी ने अच्छा हमारे लिए फूड तैयार किया, और लेकिन कैसा बनाया मम्मी ने, अध पका फूड बनाया, कच्चा फूड बनाया है ना, कच्चा वो चपाती कच्ची है, पूरी पक्की नहीं है, उसमें गीला गीला सा आटा दिख रहा है, और सब्जी भी कच्ची है, दाल भी पकी नहीं है, और मम्मी ऐसे ला के हमें सामने थाली सजा दे, देखो बेटा 4-5 आइटम तुम्हारे लिए बना दिया, लेकिन सब आइटम कैसे कच्चा कच्चा है, सारे आइटम कच्चे कच्चे है ना, कच्चे कच्चे अध पका आइटम है ना, मतलब आधा पक गया आधा नहीं पका है, और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने पे भी बेस्वाद लगेगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, खाने में बेस्वाद लगेगा, और अंत में जब कैसी भी करके खा भी लेंगे ना मम्मी का दिल रखने के लिए, तो पेट दुखेगा। ये तो एक भौतिक उदाहरण है ना, कि अध पका खाना भी हम नहीं खाना चाहते है ना, हम चाहते कि खाना बहुत अच्छे से, जो हम डेली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, वो वेल कुक्ड हो, अच्छे से पका हुआ हो, वेल कुक्ड हो, तो फिर हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं। आधा पका खाना दिखने में अच्छा नहीं होता, खाने में स्वाद नहीं आएगा, और पेट में जाएगा तो पेट दुखाएगा। तो भगवान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भगवान, भक्ति जो हम करते हैं ना, तो भक्ति मतलब हम भगवान को खिला रहे हैं, वी आर ऑफरिंग दिस भक्ति फूड टू लॉर्ड कृष्णा, हम भक्ति का भोजन भगवान को खिला रहे हैं ना, भक्ति का भोजन भगवान को खिला रहे हैं। तो भगवान को अदबका खिलाएंगे ना, तो भगवान भी को भी अच्छा नहीं लगता है ना, कि कैसा है ये, कितना समय से मुझको अदबका फूड ही खिलाता है। भगवान तो वैसे भी बहुत डिमांडिंग है हमारे, है ना। सनातन बाबा को बोले भगवान ने, हे सनातन, तुमको क्या हो गया, तुम 1 साल से मुझको तुम सूखी बाटी खिलाते हो, अरे थोड़ा घी लगाओ, थोड़ा नमक तो डालो, कुछ तो करो, व्यवस्था करो मेरे लिए। सनातन बाबा बोले, अरे आज आप घी मांग, वो नमक मांग, आज तुम साल्ट मांग रहे हो, नमक मांग रहे हो, कल तुम स्वीट मांगोगे, और परसों और डिमांड बढ़ाओगे, तुम्हारी पूरी गृहस्थी बसा ले क्या, हम बाबा जी लोग हैं, पहले ही बोले थे हमारे पास आओ मत, हम भजन करते हैं, और हम लोग ये सब इतना व्यवस्था आपके लिए कर नहीं पाएंगे। भगवान तो वैसे भी अच्छा अच्छा चाहते हैं, कि भगवान का डिमांड है कि थोड़ा उनको अच्छा से, थोड़ा अच्छे से तो खिलाए ना, अच्छे से मतलब वेल कुक्ड हो, थोड़ा मधुर। तो जो हम भक्ति जो हम करते हैं भगवान कृष्ण को, वो ऑफरिंग है, भक्ति फूड ऑफ लॉर्ड कृष्ण, उसे कृष्ण को तुष्टि मिलती है ना, कृष्ण आकर्षणी से, कृष्ण भक्ति से खींच के आते हैं, भक्ति को हमारे ग्रहण करते हैं भगवान। तो हम अच्छी भक्ति क्यों ना खिलाए भगवान को, अच्छी भक्ति का फूड भगवान के लिए प्रिपेयर करें, और भगवान हमारी भक्ति से खुश हो जाए, एवरीडे खुश हो जाए कि वाह क्या भक्ति किया मेरा, क्या नाम जप किया मेरा, कृष्ण आनंदित हो जाए। हम आनंदित हो अलग बात है, हम तो आनंदित होंगे है ना, लेकिन कृष्ण हमारे नाम जैसे आनंदित हो जाए, वाह क्या शास्त्र पढ़ता है मेरे लिए, कितनी इसकी रुचि है, क्या कथा सुनने में रुचि है,
अच्छा कितना सुंदर इसका अपने गुरु में सेवा भावना है, कितना सुंदर ये वैष्णव के लिए भावना रखता है, कितना अच्छा भक्त है। तो कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए, है ना। कृष्ण को मैं गुड फूड, एक वेल कुक्ड पूरा पका हुआ फूड कृष्ण को हम खिला पाए, कृष्ण के आनंद व वर्धन कर पाए, है ना, पूरा पूरा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 100% हमें भगवान से एक रूप होना है, जो भी भगवान को दे ना 100% दे, बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट, सबसे सुंदर सुंदर और सर्वोत्तम चीजें भगवान को हम प्रोवाइड करें, है ना। हाँ अभी नहीं कर पा रहे, हमारे पास कंडीशनिंग है, अनर्थ है, अनर्थों से घिरे पड़े हैं, ठीक है, उसको हम दूर करेंगे ना। अभी हम जब हम स्टार्टिंग में हम कोई भी जो लड़की होती है खाना बनाना जो सीखती है तो स्टार्टिंग से अच्छा नहीं बनाती है, बट प्रैक्टिस 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 करते करते उसकी तीव्र इच्छा होती है कि मैं प्रैक्टिस करूंगी और मैं बहुत अच्छा बना लूंगी, और फिर मेरे खाने के लोग तारीफ भी करेंगे, मेरा हस्बैंड मेरा घर वाले सब तारीफ भी करेंगे, तो वो बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करती है और वो इंटेंस डिजायर होता है सर्व करने का, तो वो अपने घर वालों को तो कर भी पाती, अच्छा भी बना पाती है और एक दिन वो एक्सपर्ट कुक बन जाती है। तो ठीक है अभी हमारी कंडीशनिंग अनर्थ है, लेकिन वर्कआउट करेंगे तो दूर हो जाएगा, और वर्कआउट करके दूर करके फिर हम कृष्ण को अच्छा फूड सर्व कर पाएंगे, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी आप कृष्ण को भोजन अर्पित कीजिए, भोग लगाइए, तो बहुत हम्बल एटीट्यूड में कि वो कृष्ण आपके लिए तो सहस्र लक्ष्मिया लक्ष्मी सहस्र संब्रमानम सेव्यम संब्रमानम, तो आपके लिए हजारों हजारों लाखों लाखों लक्ष्मियाँ आपकी सेवा में वैकुंठ लोक में और गोलोक में लगी रहती हैं, और मेरा भोग ना वो तुच्छ है, ये आपके लायक नहीं है, बट मेरे पास अभी यही है तो मैं आपको देता हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ, कृपा करके ग्रहण कीजिए। ऐसे बोल के प्रपात से छोटा सा खेत प्रपात रोते हैं कि मैं एक हम्बल ऑफरिंग कृष्ण आपके लिए लाया हूँ, ये आपके खाने की योग्य तो नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन लक्ष्मियाँ पकाती हैं, बट मेरा ये हम्बल ऑफरिंग, ये छोटा सा विनम्र मेरा भोग कृष्ण ग्रहण कीजिए। तो कृष्ण जब इतना सुंदर सा हम्बल एटीट्यूड और ये सुंदर सेवा करने का भावना और कृष्ण को खुश करने का भावना देखते तो भगवान ग्रहण करते हैं, और फिर हमें भगवान परफेक्शन भी देते हैं, परफेक्शन भी देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये जना परिपास, जो निरंतर मेरी प्रेमा भक्ति में दिन रात लगे रहते हैं, मैं उनको अच्छी भक्ति प्रदान करता, अच्छी बुद्धि प्रदान करता हूँ, उचित बुद्धि योग्य बुद्धि, ताकि वो मेरे तरफ आगे बढ़ सके, मेरी भक्ति में आगे बढ़ सके। कृष्ण इंटेलिजेंस बुद्धि भी भगवान देने वाले हैं, ददामि बुद्धि होगा, भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, तो हम परफेक्ट हो जाएंगे एक दिन, लेकिन चेष्टा करना चाहिए कि हम 100% भगवान को पूरा पका पका अच्छे से पका के भगवान को फूड, भक्ति का फूड हमारे, भक्ति का भोजन हमारे भगवान को ऑफरिंग कर सके, है ना। तो और उसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद जी तत्पर में थोड़ा वो बताते हैं कि कैसे सुखी होंगे, सुखी कैसे होंगे, तो दुख कब होते हैं, जब हम इंजॉयर बनना चाहते हैं, जब हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण में करना चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, सब कुछ सब सब हमारे जीवन के में होने वाली सारी घटनाओं को हम नियंत्रण कर ले जाएंगे, और सब 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 लोग हमारे द्वारा नियंत्रित होंगे, सारी घटनाएं हमारे द्वारा नियंत्रित होंगी, और सब लोग मेरा बात मानेंगे, और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाऊंगा। इस प्रकार का जब हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं ना, नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं हमारे जीवन के आसपास सब घटनाओं को, सब लोगों को, और तो फिर हमारा दुख बढ़ जाता है, और हम ऐसा नियंत्रक हम बन भी नहीं पाएंगे, कंट्रोलर हम बन भी नहीं पाएंगे। जितना बनने का प्रयास करेंगे उतना हमारे दुख को बढ़ा रहे होंगे, और जितना हम गिवअप करेंगे, छोड़ देंगे, अरे हम कंट्रोलर नहीं है, होगा वही जो भगवान चाहते हैं, होगा वही जो कृष्ण की इच्छा है टॉप मोस्ट, है ना। तो ऐसे सोचिए ना, अगर हम कृष्ण की इच्छा पे निर्भरित रहेंगे और कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनने का और सब कुछ को नियंत्रण करने का, सारी घटनाओं को, सारे आसपास के लोगों को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, सब कुछ को हमारे हिसाब से चलाने का प्रयास करेंगे, दुख बढ़ाएंगे और सब कुछ को छोड़ देंगे कृष्ण के ऊपर, कि अल्टीमेट मैं कंट्रोलर हूँ नहीं, कंट्रोल कर भी नहीं सकता, मेरे हाथ में है नहीं, तो अच्छा है क्यों ना हम शांति से बैठ के अपना भजन करें, भक्ति करें, है ना, शांति से, जैसे भगवान की इच्छा वह हो ही जाएगा, जैसे भगवान की इच्छा वह हो ही जाएगा। ये कितना सुकून देने वाला है, कितना शांति देने वाला है, भगवान की इच्छा पे निर्भरित होना कितना शांति देता है,
भगवान की इच्छा पे अपनी इच्छा को एक कर देना और जगह। लेकिन अगर हम खुद सब सब चीजों का एडजस्टमेंट खुद करने का प्रयास करेंगे, दुखी बढ़ता है, बस दुखी दुखी बढ़ता है ना। कुछ भी हो जाए, भक्तिम ठाकुर जी क्या कहते हैं, राखी बे मारिबो जे इच्छा तुम्हार, नित्य दासेर प्रति तुम्हार अधिकार। कृष्ण रखना चाहो तो रख लो, मारना चाहो तो मार लो, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, आपके ऊपर मैं तो बिका हुआ हूँ आपका, है ना, बिका हुआ आपका किंकर हूँ, दास हूँ, पूरा सारे मेरे मेरे ऊपर आपका, आप जो करना चाहो कर लो, जो करना चाहो कर लो। और ऐसे जब छोड़ देंगे भगवान के ऊपर ना, पहला बेनिफिट क्या होगा ना, हम हाई लेवल का ऊंचा कोटि का हमें शांति मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा। फिर दूसरा लेवल का सुख मिलेगा, तीसरा लेवल आनंद मिलेगा, पर इंक्रीजिंग ब्लिस, हमेशा बढ़ने वाला आनंद। लेकिन जब पहला ही लेवल पे गड़बड़ कर देंगे, हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तो पहली हमारी क्या जाएगी, शांति जाएगी। शांति गई तो सुख भी गया, सुख गया तो आनंद भावी जीवन में मिलने वाला है नहीं, और जीवन पूरा भार युक्त हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, हम भाराक्रांत रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, है ना। भक्ति भी छूट जाएगी, भक्ति भी छूट जाएगी, अशांत मन से भक्ति भी नहीं होती ढंग का, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा पे निर्भरित होने का प्रयास करना, हर प्रकार से एक भी इच्छा भगवान के अलग ना करें, एक भी इच्छा गुरु के या शास्त्र ये वैष्णव से अलग ना करें, एक रूप कर ले हम हरि गुरु वैष्णव की इच्छा से, हम अपने आप को एक रूप कर ले, तो परम सुखी बन जाएंगे, परम सुखी बन जाएंगे हर प्रकार से। यहाँ पे जैसे अर्जुन का उदाहरण प्रपात देते हैं कि अर्जुन दुखी थे क्योंकि अर्जुन कृष्ण की इच्छा से विपरीत अपनी इच्छा बना ली थी कि वह युद्ध नहीं लड़ेंगे, कृष्ण चाहते थे अर्जुन युद्ध करे, भगवान की इच्छा से अलग बना लिए। लेकिन अर्जुन के अंदर अच्छा गुण था, अर्जुन भगवान को सुना, अर्जुन ने भगवान को सुना, रिक्वेस्ट किया कि भगवान अर्पण्य दोषो उपहस्व भाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। ये भगवत गीता का फाउंडर श्लोक है ये वाला, ये श्लोक अर्जुन ना बोले होते तो भगवान गीता भी ना बोलते पूरी पूरी, ये श्लोक तो पूरी पूरी गीता बुलवा दी भगवान से, है ना। कार्पण्य दोष पर स्वभाव कृष्ण कृपल दुर्बलता के कारण हृदय के मेरा बुद्धि भ्रमित हो गया है और मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अच्छा है, मेरा हित मेरा कल्याण किसको करने में है, मैं जान नहीं पा रहा, है ना, और विकेट हार्टेड, है ना, मेरा हृदय कमजोर हो गया है ना कृष्ण। और कृष्ण अभी से मैं फ्रेंडशिप खत्म करता हूँ, अब से मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, आप मेरे गुरु बन जाइए, कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, और जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर है ना, जो भी मेरे लिए बेस्ट है, जिसमें भी मेरा कल्याण निहित है कृष्ण, वह मुझे बताइए और वह मैं करूँगा। तो भगवान ने बोला बहुत अच्छा, यही तो मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए शरणागत हो जाओ और फिर मैं तुम्हें बता पाऊँ कि करना क्या है, है ना। पहले अध्याय में कुछ बोला ही नहीं भगवद गीता में क्योंकि अर्जुन तो सुनने के उसमें तैयार ही नहीं था। दूसरे अध्याय में हुए अर्जुन ने खुद से शरणागति दे दी तो भी भगवान ने बोलना शुरू किया और अर्जुन सब चीज़ को ग्रहण कर पा रहा था। लास्ट में भगवान ने सब कुछ बोल के भी ना भगवान ने फिर फ्री छोड़ दिया अर्जुन को, अर्जुन देखो तुम्हारी जो मर्जी वो करो, है ना, यथेच्छति तथा करो, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। भगवान कितनी डिटैच है ना, कितना गुड क्वालिटी देखते हैं भगवान का। कृष्ण इतना मेहनत लगा के पूरी भगवान ने 18 मतलब पहले अध्याय भगवान ने बोला नहीं है कुछ ज्ञान दिया नहीं, 17 अध्याय भगवान ने बोले डिटेल्ड में, डिटेल्स भगवान ने पूरा अर्जुन को ज्ञान दिया। और हमारे भगवान कितने स्वीट, कितने मधुर भगवान का गुण है, भगवान डिटैच है बिल्कुल। उसमें भी बोल रहे हैं अर्जुन देखो मेरे प्रिय मित्र भक्त सुनो, यथेच्छति तथा करो, जैसी इच्छा वैसी करो। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुमको ऐसा करना होगा, भगवान ने बोला जो तुम्हारा जैसा मन, मैंने बोल दिया तुमको, तुम्हारा मर्जी, तुम फ्री हो। जैसे गुरु महाराज भी एकदम सेम ही क्वालिटी देख सकते हैं, गुरु महाराज भी सब लोग को ये बोल देते हैं आपकी मर्जी 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 बोलते हैं, सबको फ्री छोड़ते रहते हैं, है ना, फ्री छोड़ते हैं। सब लोगों को ना फ्री ही रहना अच्छा लगता है, फ्री ही रहना अच्छा लगता है। तो भगवान ने भी अर्जुन के भी इतना घनिष्ठ, हम किसी भी जोर भी लगा सकते हैं, कंडीशन है कि उसके साथ हमारा उतना स्ट्रांग बॉन्डिंग हो, बॉन्डिंग रहेगा नहीं तो फिर जोर लगाएंगे तो फिर वो रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है।
तो यहाँ भी भगवान का तो साथ देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है भगवान का, अर्जुन भगवान का भाई है, बुआ का बेटा, कुंती माता का बेटा है, भाई है। और उसके बाद अर्जुन भगवान का बिल्कुल घनिष्ठ मित्र है, मतलब सुपर डुपर क्लोज फ्रेंड भगवान का है ना, या एक दूसरे का आलिंगन करके एक दूसरे के ऊपर पाँव रख के रात में सोते हैं ये दोनों, अर्जुन कृष्णा एक दूसरे के साथ हाथ रखे कंधे पे घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ खाते हैं, तो सब कुछ इतना नजदीकता है, इतना इंटीमेसी है, इतनी आत्मीयता है दोनों में, मित्र बहुत घनिष्ठ है ये दोनों। उसके बाद फिर अर्जुन ने पूरा शरणागति भी दे दिया कि अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु भी बना लिया। उसके बाद इतना सब होने के बाद भी अर्जुन भगवान का भक्त भी है, चार संबंध, भाई है और अर्जुन भगवान का शिष्य है, अर्जुन भगवान का मित्र है ना। और इतना सब होने के बाद भी भगवान ने अर्जुन को सब सुना के और भगवान ने बोला कैसे क्षति तथा को तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो है ना ऐसा, तो फिर ये फ्री छोड़ने का बेनिफिट होता है हमेशा। तो फिर अर्जुन ने भी तुरंत बोला कि नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् केशव परिश्रे वचनम तव। भगवान ने अर्जुन ने बोला कि कृष्णा आपकी कृपा से मेरा सारा वो जो ये था, मेरा जो वीकनेस था, मेरा मोह था, वो नष्ट हो गया, मेरे को अभी गुड इंटेलिजेंस, एक अच्छा बुद्धि प्राप्त हो गया है। करिष्ये वचनम तव, कृष्णा आप जो बोलते हो ना, आप जो बोलते हो ना मैं करूँगा, आई विल डू दैट, मैं उसको करूँगा है ना। तो पहले भगवान ने तब तक अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया जब तक वो शरणागत नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा लर्निंग लेसन है कि तब तक किसी को उपदेश मत करो जब तक वो हमारे लिए शरणागति ना दे और खुद आके ना बोले पूरा शरणागत होके। और उसके बाद ठीक है ज्ञान भी दे दो लेकिन डिटैच रहो, डिटैच होने के बाद फ्री छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी जैसा, एक्सपेक्टेशन मत रखो कि कर। और देन फाइनली फिर अर्जुन फिर वो कर भी दिया ना, तो अल्टीमेट गुड रिजल्ट आता है। और कुछ गुड रिजल्ट आए ना आए, एटलीस्ट रिलेशनशिप अच्छा रहेगा है ना। तो ये भगवान के भगवद गीता से भी हम सीखते कि हमारे डिवोटीज कम्युनिटी में रिलेशनशिप या फिर भौतिक जीवन में भी हम कई सारे संबंधों में जुड़े होते हैं है ना, लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप भौतिक जीवन में भी, तो उन किस्से में भी हमें ऐसा ही डीलिंग करना चाहिए है ना, कि जब तक शरणागति ना हो कुछ बोलो मत, और बोल कुछ उनके लिए कुछ कर भी दो तो फिर डिटैच रहो और हमेशा फ्री छोड़ो, जो उनको मर्जी वो करे है ना। और फ्री छोड़ने का मतलब है कि आप फ्री छोड़ो और आप कृष्ण पर निर्भर रहो पूरा, आप एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक्सपेक्टेशन रखो तो कृष्ण से रखो है ना, बाकी लोगों से एक्सपेक्टेशन रखने का कोई बेनिफिट है नहीं है ना, कुछ मिलने वो लोग हमारा टाइम खाएंगे, हमारा एनर्जी खाएंगे और अंत में हमें क्या मिलेगा, दुख मिलेगा, कुछ फ्रूटफुल मिलने वाला है नहीं किसी से एक्सपेक्टेशन। तो अच्छा है कि भगवान से एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो भगवान कभी धोखा नहीं देने वाले हैं है ना। वेल विशर एवर वेल विशर फ्रेंड कृष्णा सुरिदम सर्वभूतानाम, सबसे बेस्ट फ्रेंड है भगवान, सबसे अच्छे भगवान बेस्ट फ्रेंड है, कभी भी साथ नहीं छोड़ते, कभी भी धोखा नहीं देते है ना। तो लास्ट हमने क्लास में ना दो चीज़ डिस्कशन किए थे इसी रिलेटेड से, कि चार चीज़ डिस्कशन करना था हमें, हियरिंग विदाउट डिफेंडिंग, कि हमें श्रवण करना चाहिए बिना अपने आप को बचाव किए है ना, फीडबैक एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकेंड हमने देखे थे लिविंग विदाउट प्रिटेंडिंग, कि हमें जीवन ऐसा जीना चाहिए कि बहाना के बिना, जैसा हम ओरिजिनल है ना वैसा हमें जीना चाहिए, दिखावा वाला जीवन, दोहरा जीवन हमें जीने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो है ओरिजिनल हमारा हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा पब्लिक लाइफ और हमारा इनर लाइफ, वो तीनों एक होना चाहिए, तीनों में एक रूपता होना चाहिए। और आज जो हम देखना चाहते हैं वो है स्पीकिंग विदाउट ऑफेंडिंग, कि हम ऐसा बोले ना कि दूसरे लोग ना उससे बुरा ना माने, दूसरे लोग उससे दुखी ना हो जाए, दूसरे लोग उसको अपराध की जैसा ग्रहण ना करें, अपराध जैसा ग्रहण ना करें। तो यह थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ना, स्पीकिंग विदाउट ऑफेंडिंग, कि हम हमेशा बोलते रहते हैं ना, लेकिन हम बोलते रहते हैं, कई बार ना बोलते हम भक्ति में आने के बाद भी, इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी हम
बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं, है ना, भक्ति के नाम पे, सेवा के नाम पे, है ना, जो भी लोग हमारे आसपास होते हैं उन लोग से हम डीलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं, है ना, और कठोर हो जाते हैं, बिल्कुल कठोरता आ जाती है। तो कृष्ण भगवान भगवद गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं भगवान, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, हमारे बोलने पे ना हमें थोड़ी वाणी की तपस्या करनी चाहिए, वाणी की तपस्या करनी चाहिए, है ना। तो जब भी हम कुछ बोले ना तो हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हम ट्रू सही सही बोले, सच बोले, सत्यम सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, है ना, और उसके बाद प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, सत्य होना चाहिए, लेकिन लेकिन सत्य को भी कैसे हमें प्रेजेंट करना है, बहुत ही प्लीजेंट वे में, है ना, प्रिय लगना चाहिए लोगों को, है ना, क्योंकि हम सुनते हैं ना कि सच तो कड़वा होता है, सच तो कड़वा होता है, लोग सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते ना, कड़वा होता है, आप सच को बताएंगे वो लोग हर्ट हो जाएंगे, है ना, तो सत्य को आप बताओ आप, लेकिन प्रिय तरीके से बताओ, बहुत प्लीजेंट लगना चाहिए, मधुर लगना चाहिए। और तीसरा चीज़ हमें देखना चाहिए कि जो भी हम बोल रहे हैं क्या उससे सामने वाले का कल्याण हो रहा है, ये तीन चीज़ें देखना चाहिए। अगर किसी का कल्याण नहीं हो रहा हमारे बोलने से ना तो बोलो ही मत, अच्छा कि बोलो ही मत, तो सत्य बोलो, प्रिय बोलो और कल्याण करने वाला बोलो, है ना, जिससे लोगों का कल्याण हो जाए, जिससे लोगों का कल्याण हो जाए, है ना। और भगवान कृष्ण सबसे सेफ साइड क्या है ना, हमेशा शास्त्र को बोलो, है ना, शास्त्र, शास्त्र बहुत सुंदर है ना, शास्त्र दिन रात गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत यही बोलना चाहिए, है ना, सत्य भी है और प्रिय भी है और कल्याण करने वाला है। इसके अलावा शास्त्र के अलावा जो भी हम अपने मन का बोलते हैं ना, इधर उधर का बहुत कुछ, ग्राम्य वार्ता न कहे ग्राम्य वार्ता न सुन बे, न ग्राम्य वार्ता बोलो न सुनो, है ना, वो दुख को बस बढ़ाएगा, है ना, और किसी का कल्याण करने वाला होगा नहीं, न सत्य होगा न प्रिय होगा न कल्याण करने वाला हो। इसलिए जो शास्त्र की वाणी होती है ना, भगवान की वाणी है, शुद्ध भक्तों की वाणी है, है ना, गुरुओं की वाणी है शास्त्र, तो वो शास्त्र में बोलेंगे ना तो सबको अच्छा भी लगेगा और प्रिय और सबका कल्याण भी होगा और सत्य बात है, शास्त्र सत्य है, है ना। तो एक्चुअली में एक भक्त का गुण है ना, जब सनातन गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान भक्त के 26 गुण गिनाते हैं, एक गुण गिनाते हैं मौनी, भक्त को मौनी होना चाहिए, है ना, मौन धारण करना चाहिए। एक्चुअली में अननेसेसरी व्यर्थ में बोलना नहीं चाहिए, भक्त को व्यर्थ में बोलना नहीं चाहिए, और व्यर्थ में भक्त ना बोले, एक्चुअली मौनी ही मौनी धारण करके तो अच्छा है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पे मौन का क्या मतलब है, मौन मतलब कि कृष्ण के अलावा और कुछ मत बोलो, कृष्ण की कथा ही बोलो, कृष्ण की वार्ता करो, है ना, कृष्ण की वार्ता के लिए जितना भी बोलना पड़े वो बोलो, है ना। तो हम सबके अंदर बोलने का अर्थ होता है, हम बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो हमारे जो बोलने का जो वेग होता है, वाचो वेगम, उसको हमें कृष्ण का सेवा में लगाना चाहिए, कृष्ण कृष्ण के बारे में बोलने में लगाना चाहिए, और वो सावधान होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं ना उससे कोई दुखी ना हो, उससे कोई हर्ट ना हो हमारे बोलने से, किसी का दिल ना टूट जाए, दिल ना दुख जाए। एक्चुअली हम लोग भक्ति में आने के बाद, हम भक्ति में आ जाते हैं, हमारी दीक्षा हो जाती है, हम कभी कभी गर्वित होते हैं, बहुत गर्व से हम सोचते हैं वो अभी तो मैं 16 माला का जब कर रहा हूँ और करता हूँ और रेगुलर, और मैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 हमारे नियम है, इसको मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ, है ना, बहुत अच्छे से करता हूँ, है ना, ऐसा हम सोचते हैं, हमें तो दीक्षित भी बन गया, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। लेकिन अगर हम भक्ति में आने के बाद, दीक्षित होने के बाद भी अगर हम लोगों को हमारे बोलने से किसी लोग का दिल दुख रहा है ना, तो इसका मतलब हम मीट ईटिंग कर रहे हैं, हमारा नियम टूट रहा है ना। अगर हमारे वाणी से, हमारे बोलने से किसी का दिल दुखता है, किसी का दिल दुखता है, कोई टूट जाता है, किसी का दिल टूट जाता है, दुखी हो जाता है, इसका मतलब है कि हम मीट ईटिंग कर रहे हैं, हम मांस खा रहे हैं, हम मांस खा रहे हैं, हम मांस खा रहे हैं, है ना। क्योंकि मांस 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 खाना में क्या होता है कि आप किसी जानवर को पकड़ के उसको मारोगे, उसका वध करोगे, उसको चोट पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी, वो मर जाएगा, है ना। तो ठीक है, आपने वो मीट ईटिंग के अंदर आता है ना, किसी को आहत करके उसको मार के खाना। ऐसे ही जब हम हमारी कठोर वाणी से अगर कोई आहत होता है, कठोर, ये तो शटल डेफिनेशन है, ये
शेडल डेफिनेशन मीट ईटिंग का, वो कठोर वाणी से किसी को चोट पहुंचाना, ये मीट ईटिंग के अंदर आएगा। शटल शटल सूक्ष्म रूप से, तो अगर हमारी कठोर वाणी से कोई आहत हो गया, किसी का दिल टूट गया हमारी कठोर वाणी से, तो वो ये किसी को जान से मारने या किसी को चोट पहुंचाने से भी ज्यादा ज्यादा घातक है। किसी को जान से मार दिया तो तुरंत कुछ सेकंड के लिए पूरा उमर गया, उसको पीड़ा खत्म, उसको नया जन्म मिल जाएगा, पीड़ा खत्म हो गई उसकी, ठीक है। लेकिन किसी को शरीर में चोट दिया वो मरा नहीं, उसका घाव भी 5 दिन में 10 दिन में भर जाएगा, है ना, शारीरिक चोट देने से। लेकिन जो हमने वाणी से चोट दिया किसी को ना, कठोर वाणी से किसी का दिल तोड़ा, है ना, कठोर वाणी से किसी को हमने आहत किया ना, कठोर वाणी से दिल तोड़ा, कठोर वाणी से हमने किसी को आहत किया ना, वो वाणी से जो घाव लगता है ना, वो लंबे समय तक नहीं जाता, सालों साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि जीवन भर व्यक्ति बहुत दुखी रहता है किसी से, है ना, क्योंकि उसने इतना कठोरता से कुछ बोला होता है ना, कठोरता कठोरता से दिल को तोड़ा होता है ना। इसलिए कभी कभी वो जो इसको बोलते हैं ना कि वो जो इम्प्रेशन होता है ना, वो डार्क इम्प्रेशन है ना, वो टॉर्चर है ना, वाणी से जो कोई किसी को टॉर्चर कर देता है, वो टॉर्चर पीरियड कोई व्यक्ति जीवन भर भी उसे ना भूले, उससे कई साल उसको उस ट्रॉमा से, उस दर्द से निकलने में कई कई साल लग जाए, है ना, वो अंदर से बहुत पीड़ा में रहता है ना। तो ये वाणी का जो वाणी से किसी को दुख देना ना, ये जान से मारने, जीव हत्या और ये चोट पहुंचाने से, आहत करने से ज्यादा डेंजरस है ना, ये शटल लेवल पे मीट ईटिंग है। इसलिए बहुत केयरफुल हम सबको रहने चाहिए कि हमारी जो स्पीच है ना, हमारी जो वाणी है ना, वो उस पे हम बहुत एक्सपर्टीज बनाए कि हम वो दिल तोड़ने वाला वाणी ना बोले, दिल तोड़ने वाला वाणी बिल्कुल ना बोले, है ना, अच्छा बोले, अच्छा बोले, है ना, सुंदर बोले, सुंदर बोले। तो जब भी हम बोले ना, तो हमको अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए बोलने से पहले, है ना, कि मैं कुछ भी ऐसे ना बोल दूँ, कुछ भी ना बोल दूँ, है ना, पहले देखूँ कि सामने वाले का कुछ इससे कल्याण हो रहा है क्या, यह सत्य है और क्या यह फ्री लगेगा सामने वाले को, और क्या इससे मेरा भी कल्याण होगा इसको बोलने से, है ना, और क्या यह बोलना इस जगह पे आवश्यक है। तो सब कुछ बैलेंस करके ना, तो फिर बोलना चाहिए, सावधान हो के, सिलेक्टिव सिलेक्टिव वर्ड्स का, है ना, चुन चुन के शब्दों का, एक एक शब्द चुन चुन के व्यवहार कैसे बोल, इससे बोलते मौनी बन जाओ, भक्त हो तो मौनी बन जाओ, बढ़िया के बोलो ही मत, शांति रहोगे तो भजन अच्छा करोगे, है ना, और जब भी बोलो तो कृष्ण वार्ता करो, है ना, और सिलेक्टिव वर्ड्स को निकालो, सिलेक्टिव चुन चुन के शब्दों को निकालो। जब आप बहुत सारे लोग के बीच में हो और डीलिंग कई लोग से बोल के करना पड़ रहा है, तो चुन चुन के शब्दों को व्यवहार करो, चुन चुन के, कि आपके एक निकला शब्द पूरा स्पॉइल कर सकता है रिलेशनशिप, है ना, एक तो सावधानी से डीलिंग करना चाहिए। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग ना हम बोलना नहीं चाहते थे कुछ भी, है ना, लेकिन ऐसा आर्गुमेंट ही हो गया कि हमको बोलने का जरूरत पड़ा, है ना, हमको बोलने की जरूरत पड़ा, हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन हमको बोलने का जरूरत पड़ा, है ना। इसको मैं एक फनी के स्टोरी समझेंगे। एक बार एक जंगल था, जंगल में एक गधा था, डंकी, और एक जंगल में एक टाइगर मतलब चीता था, एक चीता था और एक गधा था। तो गधे चीते में एक दिन बहस छिड़ गई घास घास को लेके। तो गधा बोलता है कि देखो घास का रंग नीला होता है। तो चीता बोलता है कि नहीं पागल हो गए हो, घास का रंग तो हमेशा हरा हो, देखो हरी हरी सारी घास है। तो गधा बोलता है नहीं नीला रंग ही है। तो ऐसे उन दोनों में आर्गुमेंट लंबी बहस छिड़ी और बहस लगातार 15 दिनों से चलती रही, 15 दिनों चलती रही। तो 15 दिन तक लगातार बहस छिड़ी, अभी भी घोड़ा ये गधा जो बोलता है कि नहीं घास नीला रंग का होता है, और सीधा बोलता है नहीं घास फिर हरे रंग का होता है। फिर बहस फिर चलती रही अगले 15 दिन, मामले 1 महीना बहस छिड़ी। तो 1 महीना तक लगातार दोनों आपस में लड़ रहे थे इसी बात को लेकर, घास हरी है चीता बोलता था और गधा बोलता था घास नीली है। अब दोनों फाइनली तंग आके लड़ाई झगड़ा करके आपस में वो जंगल के राजा के पास गए, जंगल के राजा के पास, वो मतलब शेर के पास गए,
शेर जन्म का राजा होता है, शेर के पास जाके बोलते हैं कि शेर जी आप ये बताओ कि क्या है घास का रंग क्या होता है। गधे वो गधे ने बोला कि घास का नीला होता है ना, तो शेर ने बोला हाँ घास का नीला होता है। बोलता हाँ शेर जी राजा जी धन्यवाद, मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा था इसको कितने लंबे समय से, और ये मेरा इतना समय बर्बाद किया, इसको सजा दीजिए। तो फिर सजा सुनाता है शेर उसको कि ठीक है अगले 3 दिनों के लिए आप चीता से तुम भी बात नहीं करोगे और कोई भी बात नहीं करेगा चीता से। जब चीता सजा स्वीकार करते हुए राजा ने राजदंड होता है उसके लिए स्वीकार करता है। 3 दिन के बाद जब उसका दंड पूरा होता है तो वो चीता आता है उसके पास और चीता शेर के पास आके बोलता है कि राजा जी ये बताइए शेर राजा कि घास का रंग तो हरा हरा ही तो होता है। हाँ तो बोला हाँ, तो शेर बोला हाँ बिल्कुल हरा ही होता है। तो फिर बोलता है कि लेकिन आपने तो कुछ दिन पहले बोला कि नहीं घास का रंग नीला होता है और मुझे सजा भी दिया इसी बात के लिए। तो बोले कि शेर ने बोला कि नहीं इस बात के लिए तो मैं सजा नहीं दिया है ना, मुझे तो पता था पहले से कि घास का रंग हरा होता है, गधा मूर्ख था वो नीला नीला बोल रहा था, तुम सही थे, मैंने तुम्हें इस बात के लिए सजा दिया कि तुम 1 महीने तक उस तुम सीता हो, तुम बड़े पर्सनालिटी हो, योर बिग पर्सनालिटी, तुम्हारा व्यक्ति तो ऊंचा है, 1 महीने तक लगातार तुम उस गधे की से आर्गुमेंट क्यों कर रहे थे, अपना इतना तुम 1 महीने का समय उस गधे से आर्गुमेंट करने में क्यों बिता दिए, उसको मान लेने दिए होते कि हाँ इसका रंग नीला है क्या फर्क पड़ता है तुमको, है ना, मान लिया होता वो कि हाँ इसका रंग नीला है क्या दिक्कत, तुम्हारा समय बचता, तुम्हारा शक्ति बचता है ना, तुम और कुछ प्रोडक्टिव कार्य कर पाते, तुम चीता हो वो गधा है ना, इसके लिए मैंने तुम्हें 3 दिन का मौन व्रत रखने को बोला, मैंने सजा दिया है ना कि आगे से तुम ऐसे गधों के चक्कर में मत पड़ो, गधों के चक्कर में मत पड़ो। तो ये है ना एक्चुअली वो सुंदर है, एक्चुअली बात ये है ना वो सुंदर है कि कई बार ना हम लोग भी ऐसे अननेसेसरी मैटर्स में पड़ जाते हैं जिससे हमको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला होता है, कुछ हमारी भक्ति का वर्धन नहीं होने वाला होता है ना, कुछ भी अननेसेसरी टॉपिक चलेगा है ना, बचकाना सी है ना, और हम उसको अपने आप को बचाने में या फिर ऐसा ऐसा बात बोलेंगे ना उसमें हम अपराध होता है, बस अपराध होता जाता है, अपराध होता जाता है, मतलब वेस्ट गॉसिप, फालतू की गॉसिप जो कुछ मिलने वाला होता है ना, और अच्छा हमारा समय जाता है, अच्छा हमारा एनर्जी जाता है उसमें है ना, उसमें आवश्यकता नहीं है ना, आवश्यकता नहीं है इतना सारा चीज़ों में पढ़ने का इतना सारा। तो यहाँ पे कहते हैं हर युद्ध लड़ने का आपको ऐसे जुड़ने की हर लड़ाई आप लड़िए ऐसा आपको आवश्यकता नहीं है कि हर लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसा होता है होना चाहिए छोड़ दो है ना, कुछ चीज़ें ऐसे छोड़ दो है ना, आपको आवश्यकता नहीं है, है ना, इसीलिए क्या यहाँ पे बताते हैं कि स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग है ना, कि आप बिना दूसरे के दिल को ठेस पहुँचाए ऐसा शब्दों का व्यवहार करो, ऐसे शब्दों का व्यवहार करो। कई बार हम लोग इस बात के लिए बहुत लंबा हमारा समय ऐसा बोलते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और मैं सबसे जो मैं बोलता हूँ जो मैं करता हूँ परफेक्ट है, अपने आप को प्रूव करने के लिए हम ये अपने आप को सही साबित करने के लिए हम कई बार आर्गुमेंट करते हैं, कई बार लंबे लंबे हमारे केस खींच जाते हैं है ना, अपने आप को प्रूफ करने के लिए आवश्यकता नहीं होता है। सुंदर उदाहरण चैतन्य लीला मिलते हैं जब भगवान चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे प्रसाद लेने जाते थे तो उनका दामाद था अमोघ, वो चैतन्य महाप्रभु की हमेशा निंदा करता था है ना कि देखो ये कैसा सन्यासी है, कितना ढेर सारा खाता है, कितना वो अपने इंद्रियों पे उसका कंट्रोल नहीं है, कितना खाता है सन्यासी, इतना सन्यासी को इतना थोड़ी खाना चाहिए, वो सबके सामने निंदा करता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल शांत, बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु ने ना तो बुरा माना, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को डिफेंड किया, उसको रीजन दिया कि नहीं नहीं ऐसा मत समझो, वो तो मैं सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रेम के वश ग्रहण करता हूँ, और ऐसा कुछ अपने आप को प्रूफ किया नहीं, भगवान ने प्रूफ किया नहीं, बस शांति से सुनते रहे, वो अपना बोल के बोलता रहता था है ना, बुराई करता रहता। यहाँ पे भगवान ने अपने को प्रूफ नहीं किया, अपने आप को सत्य साबित नहीं किया है ना, कि रीजन नहीं दिया, अपना बचाव नहीं किया भगवान ने। तो कुछ ऐसे मैटर्स भक्ति में भी होते हैं ना जिसको हमें जस्ट छोड़ देना चाहिए, जस्ट छोड़, उसमें इतना घुसने का, उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने का आवश्यकता नहीं होता है, जस्ट लीव इट, खत्म करो
उन्हें खत्म करो। लेकिन एकदम एकदम मूर्ख भी नहीं बनना चाहिए कि जैसे कोई हमें हमारा गलत फायदा उठा ले, जैसे कोई भी कुछ भी हमें कुछ भी आरोप गलत भी आरोप लगा दे हमारे ऊपर। जैसे कोई हमको आके बोले तुमने मेरा ये सामान चोरी किया, वो सामान चोरी किया, और हम बोले हाँ हमें तो स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, हमें तो अपने आप को बचाव नहीं करना है, इसको ठेस नहीं पहुँचा, तो आप स्वीकार कर लीजिए झूठ मूठ का, आपने किया भी नहीं, स्वीकार कर लीजिए हाँ मैंने चोरी किया है, मैंने तुम्हारा ये चुराया वो चुराया, तो ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं होना है ना कि लोग हमारी मिसयूज कर दें हमारी गुड क्वालिटी को लेके, हमारा कोई मिसयूज भी ना करे। ऐसा तो लॉ रेशनल होना चाहिए, तर्क संगत है ना, लॉजिकल होना चाहिए। हर लड़ाई को लड़ने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव हमें बनना पड़ेगा है ना, जस्ट भी सेलेक्टिव, कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना है, और कहाँ पे बोलना है तो क्या मैं व्यवहार करूँ, क्या शब्द निकालूँ, एक एक शब्द चुन चुन के निकालूँ है ना, एक एक शब्द चुन चुन के निकालूँ है ना, और बहुत बुद्धि लगा के एक एक शब्द को चुन चुन के व्यवहार करूँ है ना, क्योंकि शब्द अगर किसी को चुभ गया ना वो भगाओ जल्दी नहीं पड़ता है ना, लंबा समय लग जाता है। और हमें कई बार हम दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं, दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए हम बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ अपने आप को दिखाते हैं है ना, तो वो भी आवश्यकता है नहीं कि दूसरे लोगों को हमें इम्प्रेस करने की आवश्यकता है नहीं, हमें इम्प्रेस गुरु करना चाहिए, कृष्ण करना चाहिए और वैष्णव करना चाहिए है ना, बड़े छोटे भक्त उनको उनकी खुशी के लिए हमें कार्य करना चाहिए, हमें दुनिया और लोगों को सबको दिखा के इम्प्रेस करने का क्या ही लाभ मिलने वाला है, क्या लाभ मिलने वाला है ना। तो तुम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार एक वो शॉप में एक लेडी थी, लेडीज वैसे जाती है ना शॉपिंग करने के लिए, तो लेडीज आती हैं वो घंटों घंटों भर साड़ियाँ निकलवाती रहती है, साड़ी दिखाओ, वो साड़ी पूरा दुकान खंगाल लेती है साड़ियों का, और लास्ट में और ये वीडियो कॉल करके अपने फ्रेंड को भी दिखाएंगी, देखो देखो कौन सी साड़ी लूँ, दो तीन घंटा शॉपकीपर का बर्बाद किया, और फिर लास्ट में बोला कि आपकी कोई दुकान की साड़ियाँ अच्छी नहीं रखते हो, कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही। अब इतना दो घंटा तीन घंटा उस शॉपकीपर का जब बर्बाद करती कोई लेडी, तो अंदर से शॉपकीपर को अंदर से गुस्सा आ रहा होता है, देखो इसका लेना कुछ है नहीं, मेरा इतना दो घंटा तीन घंटा का टाइम था। फिर वो हंसते हुए से स्माइल करते हुए बोलता है कोई बात नहीं मैडम, आप नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, कोई बात नहीं है ना नेक्स्ट टाइम, वो स्माइल करके अंदर से तो उसका उबाल आ रहा होता है ना, लेकिन कंट्रोल करता है और बाहर से स्माइल करते हुए बोलता है उसे है ना। तो एक्चुअली इसमें एक बेनिफिट है कि ठीक है उसने अपना अर्ज कंट्रोल किया क्योंकि वो शॉप का एम्प्लॉय है, लेकिन उसकी नज़र ना सामने वाले अपने जो मेन जो जहाँ पे मेन जो गद्दी होती है वहाँ पे जो उसका मालिक बैठा होता है, मालिक की ओर देखता है, और मालिक को देख के सोचता है कि जब मैं इस कस्टमर से डीलिंग कर रहा था उस पूरे डीलिंग के ड्यूरेशन में ये जो मालिक था मालिक मुझको देख रहा था, और मालिक ने देखा कि मैंने ऑनेस्टली दो घंटे तीन घंटे उस लेडी को पूरे अच्छे से सेटिस्फाई करने का प्रयास किया, और वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, हंस हंस के रिस्पॉन्स दिया, लास्ट में साड़ी भी नहीं लिया उसने, तो भी मैंने फेवरेबल रिस्पॉन्स देकर उसको लीव किया, उसको विदा किया। तो ये सब जब मालिक दिखेगा तो मालिक खुश रहेगा, उसके काम से खुश रहेगा, और महीने के अंत में उसको सैलरी भी मिल जाएगा, तो थोड़ा संतोष हो जाता है, कोई बात नहीं वो लेडी ने मेरा समय बर्बाद किया तो क्या हुआ, अल्टीमेट वो मुझे सैलरी देने वाली वो नहीं है, अंत में सैलरी देने वाली मेरे मालिक हैं है ना, तो ऐसा समझ को सेटिस्फाई हो जाता है। तो उसी तरह भक्ति में आने के बाद भी ना हमको सोचने का प्रयास ये करना चाहिए कि ये हमें बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करने का क्या आवश्यकता है, बहुत सारे लोगों से लड़ने भिड़ने का भी क्या आवश्यकता है, अंत हमें इम्प्रेस करना है हमारे गुरु को, कृष्ण को और बड़े छोटे वैष्णव को, तो उनको हमें इम्प्रेस करना है, वो हमको अल्टीमेट वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने वाले हैं, वो हमें कृपा देने वाले हैं, उनको इम्प्रेस करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए है ना। और फिर भी वो फिर से एक बात कि वाणी को बहुत संभाल के निकालना चाहिए, क्योंकि वाणी कठोर निकल गई, किसी का हृदय भेद गया उससे तो घाव भरने में बहुत समय लगता है है ना, और पूरा जीवन भी शायद निकल जाए है ना।
इतना समय भी लग सकता है, इतना समय भी लग सकता है। तो अच्छे से सिलेक्टिव वाणी बोलने का प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ओवर करते हैं। लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन कि जो हमारा जो वर्ड्स होता है ना, हमारे जो वाणी होती है ना, उसको हमें शुगर की फैक्ट्री बना देना चाहिए कि उसमें से बस निकले तो बस चीनी निकले, वाणी जब निकले तो शुगर फैक्ट्री हो जाए, शुगर फैक्ट्री है ना, चीनी 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 चीनी। तो शुगर फैक्ट्री में क्या रहेगा, बस चीनी रहेगा, शुगर फैक्ट्री में चीनी बनेगा, चीनी बाहर निकलेगा, है ना। तो अगर हमारी वाणी शुगर फैक्ट्री हो गई तो उसमें से केवल चीनी बाहर निकल के आएगा, शुगर विल कम आउट, शुगर विल कम आउट। और हमारे हार्ट को बनाने से चाहिए लव फैक्ट्री, हार्ट मस्ट प्रेम रहे, प्रेम रहे, तो उससे प्रेम की फैक्ट्री रहेगी तो प्रेम निकलेगा, लव फैक्ट्री है ना। बस प्रेम हमारे आसपास के सराउंडिंग पर रहने वाले लोगों को हम बस प्रेम लव स्प्रेड कर पाएंगे, प्रेम दे पाएंगे, प्रेम दे पाएंगे। और इन लास्ट वो हमारे हेड को है ना आई फैक्ट्री बनना चाहिए, एक ऐसी भी सिचुएशन आ जाए हमारे हेड को हम आइस फैक्ट्री है तो आइस फैक्ट्री में ठंडी रहती है, कुछ भी हो जाए आइस फैक्ट्री कभी गर्म नहीं होने वाली है ना, क्योंकि पूरा आइस का फैक्ट्री है ना, आइस का भरमार है। गुरमार भी बोलते हैं ना ये बात को, कई बार गुरमार बोलते हैं कि हेड को ठंडा रखो, आइस आइस जमा के रखो हेड पे अच्छे से, है ना, 5 किलो का बर्फ जमा के हमेशा रखो हेड पे। तो 3 चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो वाणी है वो स्वीट फैक्ट्री हो जाए, हमारा हार्ट वो लव फैक्ट्री हो जाए, हमारा हेड आइस फैक्ट्री हो जाए, तो हमारी डिवोटी कम्युनिटी में डीलिंग अच्छा हो जाएगा। और नॉट ओनली डिवोटी कम्युनिटी बट ये जो हमारे मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, भौतिक जीवन भी जो हमारे संबंध है उनसे भी डीलिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, अच्छा हो जाएगा। तो पर एक दिन में ऐसा नहीं होने वाला, ये बोलना आसान है बट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कई बार हम इसको प्रयास करें करने का, कई बार फेल भी होंगे, हम मुंह के बल गिरेंगे भी, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 गलतियों से सीखते 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 एक दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे, एक दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे, है ना, और फिर हमारा लाइफ सक्सेसफुल ब्लिसफुल हो जाएगा, हो जाएगा। एक हमारा और बचा हुआ है लव विदाउट एक्सपेक्टिंग, वो हम नेक्स्ट में देखें, थोड़ा सा पार्ट इसमें भी रह गया, टाइम ओवर हो गया तो नेक्स्ट में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है आप लोग के, तो प्रश्न कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा, आप लोगों को प्रश्न है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज। यस सूर्य, प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास है वो, जैसे प्रभु जी अर्जुन का उदाहरण दे रहे थे कि अर्जुन ने भगवान को पहले अपनी मनमानी किया, बाद में भगवान से सरेंडर हुआ तो सर्वधर्म परित्यज्यम, जो श्लोक का कोट किया। तो ऐसे हम जैसे प्रीचिंग करते हैं तो भगवत गीता का बोलते हैं, जैसे भी अर्जुन ने समझा वैसे आप भी समझिए जो भगवान बोले। तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान को जैसे हम क्यों मतलब इस तरह से समझे भगवान को, भगवान ने अर्जुन को भिड़ा दिया इस तरह, उनका माइंड वॉश कर दिया, इस तरह का लोग मतलब करते हैं। अच्छा, तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक है, भगवान ने अर्जुन का ब्रेन वॉश किया, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इस कौन के भक्त लोग भी संसारी लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन में कूड़ा कचरा गंदगी भरा हुआ है और हम उसका फ्री में सफाई कर रहे हैं बिना पैसे के, आप काउंसलर वो साइकाट्रिस्ट के पास जाइए और आपका वो एडवाइस दीजिए, कितना चार्ज करेगा वो, कितना आपको एडवाइस देने का, आपकी काउंसलिंग करने का कितना वो बिल बनाएगा,
यहाँ पे तो इस्कॉन में सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे फ्री में एडवाइस दिया जाता है। इतने सारी कथाएं दिन में चलती रहती है ना, कथाएं चल रही हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, आप ऐसे करो, आप ऐसे रहो, ऐसे जीवन जियो, जीवन जीने की पूरी कला इस्कॉन में सिखाया जाता है ना। तो आपके पूरा जीवन आपके ब्रेन का कचरा साफ किया जाता है। तो हम तो सबसे बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं ना, फ्री में समाज के लोगों के दिमाग की गंदगी, हृदय गंदगी सफाई कर रहे हैं, है ना, चेतो दर्पण मार्जनम कर रहे हैं। तो हम तो इस प्रकार से और फ्री में कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड वर्क, सोशल वर्क, है ना। तो ऐसा उनको समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा वो भी बोलेंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग अहंकारी हैं स्टार्टिंग में। तो कोई बात नहीं, तो बहुत प्यार से एक मुस्कुराहट दे दीजिए, बस ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्यार से मुस्कुराहट दे दीजिए और कुछ प्रसाद दे दीजिए। कोई बात नहीं, आप ठीक, आप प्रसाद ले लीजिए, है ना। कभी समय होगा तो आप हमारे मंदिर आइएगा, सेंटर आइएगा, या हमारे प्रोग्राम में चलिएगा। तो इस पर आप बस स्माइल देते हुए आ जाइए, तो जो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल सकती, वो एक छोटा सा स्माइल, प्यार सा स्माइल बोल सकता है, तो ऐसा काफ़ी है, ठीक है। तो जी, लेकिन उनका कुछ भी ऐसा बात मत बोलिए जिससे उनके अहंकार को ठेस पहुँच जाए, क्योंकि संसार में सब अहंकारी है और वो हमेशा अपने आप को जीतना चाहते हैं। आप उनके उनको ठेस मत पहुँचाइए, है ना, ठेस मत पहुँचाइए। फिर प्लीजेंट एक प्लीजेंट एक मन को अच्छा लगने वाला छाप छोड़ के आइए। हरे कृष्णा, मोर के नाम। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा, हरे बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद आपको। ऐसे भी कभी कभी हम प्रचार करने के लिए हमको प्रचार ही करना है, ऐसे भी कभी प्रयोजन होती नहीं, माने उनको हम गीता ही सुनाई या भागवती सुनाई या चैतन्य चैतन्य, आपकी सुंदर व्यवहार और सुंदर वाणी वो बिल्कुल आकर्षित हो जाएंगे, मानो कि उनके साथ बहस करने की, आर्गुमेंट करने की प्रयोजन पड़ेंगे नहीं, आप सामने वाले व्यक्ति को देख के समझ जाएंगे जो उसके मनोभाव क्या है। एक भक्त बड़े दक्ष होता है, तो उनको तो काम करनी है, उनको तो उनको उनके उद्देश्य से उनको प्रचार करनी है, किंतु प्रचार आपको गीता की करनी है और भागवत की करनी है और चैतन्य चरितामृत की करनी है, ये तो है पक्का, वो तो करनी है, किंतु सब जगह में उसके करना ही करना है ऐसा भी नहीं है। हमारी मीठी व्यवहार और बोली और हमारी आचरण और हमारी नम्रता और हमारी शांत भाव को देख के ही वो आकर्षित हो जाएंगे, वो ठीक है, उसको हमने पराजित करने के प्रयोजन नहीं है, उनके अहंकार को चोट कर देने भी जरूरत नहीं है, किंतु एक भक्त की उनके जीवन में समागम, भक्त की उपस्थिति उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाली है, वो इस समय नहीं लाने वाला, ठीक है, आने वाले दिनों में अवश्य लाने वाला, ऐसा तो नहीं होगा जे नहीं लाने वाला। इसलिए हमको कभी माइंस नहीं होना चाहिए जे हमने प्रचार नहीं कर पाए, है ना, हमारी काम तो कैसे भी करके कर देना पड़ेगी, है ना। और मीठी बोलियों से हमने दो चार बातें ऐसे उसको सुना दे और उनको ये ना लगे जो मेरे को प्रचार करने आए, है ना, तब भी प्रचार तो हो ही जाता है ना, तब भी तो प्रचार हो ही जाता है और फर्स्ट इम्प्रेशन तो पड़ ही जाएंगे। गोड़िया संप्रदाय के भक्तजनों की उपस्थिति हो और उन लोगों की दर्शन हो जाए किसी का और वो उनके पानियों से कुछ निकल आए और वो फल ना देने वाले हैं, ऐसा तो मैंने कभी ना देखा, ऐसा तो ना देखा। इसलिए हम प्रचारक जनों को बिल्कुल मायूस नहीं होनी, जे मैंने कुछ बोलू तो ये तो बेचारा सुनेगा नहीं, इससे तो कुछ होने वाला है ना, अवश्य होने वाला है, आप देखिए तो सही, बोलिए तो सही, आप बोलिए तो सही, है ना। आपकी उपस्थिति, आपकी वाणी, आपकी नम्रता, आपकी आपकी उस व्यक्ति को उद्धार करने के लिए आपकी प्रयास और प्रयत्न, भगवान तो माफ कर लेंगे, है ना। गुरु जी कह रहे थे ना, तनखा तो और कोई देने वाला है, काम तो मेरे को खुद करना है, बेशक उसमें विफलता हाथ में क्यों ना लगे और लगेंगे क्यों, देखने वाला तो कृष्ण होती। तो हम कितनी कितनी आत्मियों तक के साथ खड़े हैं ये चीज देने के लिए और कितनी हमारी मनों में आकांक्षाएं है, अभिलाषा है उनकी कल्याणों के लिए और कितनी ये भावना है जो मेरे को जिन्होंने दिए होंगे, जिस समय
मैं कर्मी था और मेरे को जिस भक्तों ने हाथ पकड़े थे, जिन्होंने मेरे को सिखाए थे, तो मैं भी इनको इसके प्रति मेरी दायबद्धता है ना। और मैं इस्कॉन के हूँ, मैं श्रील प्रभुपाद के मिशन के हूँ और मैं गोड़िया संप्रदाय के एक भक्त हूँ। मैं एक भक्ति करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मेरी वाणियों में तो मेरी संप्रदाय के आचार्यों जनों की शक्ति है, ये कैसे विफल हो सकता है। तो हम अवश्य बोलेंगे है ना, और अवश्य बोलेंगे और कुछ तो बोलेंगे है ना प्रभु जी, कुछ तो बोलेंगे। फल तो देने वाले, आज नहीं देने वाली, आने दो महीने में सालों में उनके जीवन में फल देने वाली है और अवश्य देने वाली, अवश्य, ठीक है। तो इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। हम मायूस क्यों हुए, बताओ, प्रचार करने निकले मायूस क्यों है? उन्होंने नहीं सुने, कुछ तो सुनेंगे। मैं और कुछ बोलूंगा, कुछ तो सुनेंगे। गीता को और तरह से बोलूंगा, भागवत के और तरह से, किंतु अपने व्यवहार को क्यों खराब करूं, मैं क्यों उग्र हो जाऊं। प्रभु जी की क्लास बड़ी सुंदर है, हमारी मस्तिष्क आइस फैक्ट्री होनी चाहिए, हमारी हार्ट लव फैक्ट्री होनी चाहिए और हमारी वाणी सुगा अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत ही सुंदर है प्रभु जी, वेरी वेरी इम्प्रेसिव है ना, और दाग रखने वाले, मनों में छाने वाली है। और धन्यवाद आपको, धन्यवाद। आप किसी से और किसी कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से कीजिए। भागवत की क्लास भी बहुत सुंदर है, कुछ धन्यवाद धन्यवाद। एक वैष्णव जन कहीं जाते हैं, सफर करते हैं, तो उसमें तिलक कंठी माला ये देख करके लोग, मूर्ख लोग और जैसे गधे टाइप लोग ये मतलब पास आ जाते हैं प्रभु जी, पास आके ऑटोमेटिक आर्गुमेंट कर देते हैं कृष्णा के ऊपर, जो है जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोलने लगते हैं, ये परेशानी हो जाती है प्रभु जी कभी कभी। नहीं, उनको मूर्ख ना सोचिए और ना गाथा समझिए, उनको बेचारा समझिए। आप सोचिए आपके दिनों की, सोचिए मेरी दिनों की। वो भक्त, जिस भक्त ने मेरी हाथ पकड़े और कितने प्रयत्न करके मेरे को लाए होंगे ना, मैं भी तो गधा ही था, मैं ही तो मूर्ख था। उस दिन वो भक्त मेरे को छोड़ देते तो मेरा क्या होता, मैं करता। तो कभी भी आप प्रचार में निकलोगे ना, तो अपने दिनों को भूलना मत, जिस दिन आप भक्ति की दायरे में आए थे, जिन्होंने आपको हाथ पकड़े थे, जिन लोगों ने आपको प्रयत्न किया है ना। मैं तो गधा ही था है ना, तो उन लोगों ने मेरे को गाधा समझ के छोड़ देते तो क्या होगा। तो हम आर्गुमेंट नहीं करेंगे, किंतु हम प्रचार करना तो नहीं छोड़ेंगे, हम कुछ तो बोल के जाएंगे जिससे उनके जीवन में वो फल देने वाले, ठीक है ना। और हमने, हमारी भरोसा है कृष्ण में, कृष्ण को देने के लिए आए, हमको क्या डर है बताइए, हमारी कृष्ण में क्या त्रुटि है और कृष्ण उपदेशों में क्या गलती है, वो तो बिल्कुल 100% शुद्धि है। तो हमको डरना है, सामने कितने बड़े व्यक्ति छोड़ने, हमको क्या डर। लोग टूथपेस्ट बेच के मार्केटिंग करते करोड़ों रुपए कमा लेता है, हमारे पास तो कृष्ण है, हमको क्या डर है बताइए। डर किस चीजों के भाई, किस चीजों के, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे बोल, थैंक यू प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण जय प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। और किसी को प्रश्न है? तो ठीक है बोलिए, फिर आप बोलिए, फिर कोई प्रश्न है तो चार जय शिल प्रभुपाद की जय। गुरु जय राधा श्याम सुंदर प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम।